प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो वर्ड मैंने तुम्हें कहे, जो वचन मैंने तुम्हें कहे, ये आत्मा है। अगर तू आत्मा में आना चाहता है मेरे वचनों में बना रहे, अगर तू आत्मा में रहना चाहता है मेरे वचनों में बना रहे, क्योंकि जो वचन मैंने तुम्हें कहे हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी। वो तेरे शरीर को जिंदा कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं, तेरे मरे बिजनेस को जीवन दे सकते हैं, पर वो आत्मा भी है, क्योंकि लिखा मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आप अगर बाइबल में ध्यान से किसी भी महान ग्रेट मैन या वुमेन को पढ़ेंगे, आप एक बात नोटिस करेंगे, वो सब वर्ड एडिक्टेड थे, उनको आदत थी वचन पढ़ने की, उनको आदत थी परमेश्वर के वचन, जो संडे सुने, जो वीरवार सुने, जो हुजूरी में सुने, जो दासों से सुने, उनको ध्यान से फॉलो करने की। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तू आत्मा में आना चाहता है, कहते जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा है। जब आप ये बोलते हैं वो चंगा करे या ना करे वो मेरा, आप आत्मा में रहते हैं। जब बीमारी आपको छूने आपको छूते तो आपका विश्वास नहीं हिलता। आपका काम अगर लेट होता है आपका काम नहीं, आपका विश्वास नहीं हिलता। इसका मतलब क्या है? आप आत्मा में हैं और आप देखेंगे। अगर आप देखेंगे आप जिएंगे, अच्छा जिएंगे, आशीषित जिएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। संसारिक पैसा बहुत लोगों के पास है, अकेला पैसा होना गवाही नहीं। उस पैसे से हम कर क्या रहे हैं? आप जो पैसा बो रहे हो, अगले संडे मैं आपको गुड न्यूज दूंगा, डीडी पंजाबी पे हर हफ्ते 2 प्रोग्राम आएंगे अगले हफ्ते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आप जब रोज परमेश्वर के वचन को, अब आप डीडी पंजाबी पे भी सुनेंगे, संडे सुनेंगे, वीरवार सुनेंगे, नेट पे सुनेंगे, आप क्या क्या होगा? आप स्पिरिट में बने रहेंगे, आप आत्मा में बने रहेंगे, क्योंकि जो वचन आपको बताए जा रहे हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी। वो एक बीमार के लिए जीवन है क्योंकि बीमार को चंगाई चाहिए, वो गरीब के लिए आशीष है, जीवन है क्योंकि उसको जिंदगी चाहिए अपने पैसों में, और लिखा वो आत्मा भी है क्योंकि अगर तुम उन्हें सुनोगे तो आत्मा में बने रहोगे। जब एक पत्नी के पति पे शैतान अटैक करता है और उसे दारू पीने में मजबूर करता है, अगर वो पत्नी आत्मा में बनी है वो पति से कभी नहीं लड़ेगी। उसे पता है ये शैतान का अटैक है, मैं आत्मा में बनी रहूंगी और एक दिन मेरा पति बोलेगा मेरा पीन नो देर नहीं करता, आपका पीन छोटा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे वचन जो मैंने तुम्हें बताए वो आत्मा भी है और जीवन भी। हालेलुया। जब वचन नहीं पता तो लोग मार खाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं ओ क्या शोर मचाते हो तुम खामरा में। बोलो भाई यूनानी भाषा असली भाषा में लिखा है, उन्होंने इतना शोर मचाया कि ऐसा लगा कौए कहां कहां कर रहे हैं। मैं असली बाइबल बता रहा हूं आपको, स्टडी की हुई, उसको परखा हुआ, जांचा हुआ, पढ़ा हुआ। फिर जब आप शोर मचाते आपको डर नहीं लगता, आपको लगता नहीं कि आप शरीर में, आपको पता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप जानते हैं शैतान डर रहा है आज, जो मसा आपकी बॉडी आपके शरीर के ऊपर, आपके आत्मा के ऊपर है, आपके जीवन के ऊपर है। हो सकता है आप भोले हो, आप प्रभु से ज्यादा मांगना ना जानते हो, लेकिन आप फिर भी पवित्रताई में बने हुए हैं, क्योंकि जो वचन में आप आपको बता रहा हूं ये प्रोफेसी है। हो सकता है आप भोले हो और आप यही बैठे हो, लेकिन आप वचन पे चल रहे हैं। आप अमीर तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आप आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका परिवार आपसे 10 गुना, आपके बच्चे आपसे 100 गुना आशीषित होंगे। आप देखिए उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाइबल में लिखा जो मेरे वचन है यीशु मसीह का वो आत्मा भी है और जीवन भी है। कहता जो मैंने बातें तुमसे कही है वो आत्मा भी है वो जीवन भी है। शरीर से कुछ लाभ नहीं लिखा, पर कहता जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। मैं प्रभु के दिन यूहन्ना कहता आत्मा में आ गया, मैंने देखा कि एक मनुष्य के पुत्र से दृश्य मेरे सामने खड़ा है। उसने कहा लेकिन सातों कलीसियाओं को, ये ऐसा भेद है। आप जानते यूहन्ना कौन था?
पद्मुस नामक टापू पे था। वो टापू जैसे आप बोल सकते हो काला पानी या क्या क्या बोलते हो, जहां लोगों को भेज दिया जाते हैं और वहां कोई पानी नहीं पीने के लिए कुछ नहीं, ऐसा टापू था वो, जहां यीशु मसीह के विरोध होने के कारण उसको जाना पड़ा था। और वहां लोगों ने यूहन्ना को पकड़ा और एक कढ़ाई में तल दिया, गर्म कढ़ाई में तल दिया, और जब उसे तल दिया पकौड़े की तरह, उसे तला, जब वो बाहर आया उसके शरीर पे एक खरोंच तक नहीं थी, एक स्मेल तक नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये कोई देवता है, ये कोई परमेश्वर का मनुष्य है। और उस पद्मुस नामक टापू पे जब वो बूढ़ा हो गया था, उसे ऐसा दर्शन मिला जो दर्शनों का दर्शन था, प्रकाशित वाक्य, ऐसा विजन की कभी नहीं मिला किसी को जैसा यूहन्ना को मिला था। और इसलिए बाइबल में लिखा, जब तुम इसे सुनोगे, सिर्फ पढ़ोगे, तुम आशीषित होंगे। बोलो मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, हालेलुया। उसने कहा जो मेरे वचन है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। वो जीवन है उन लोगों के लिए जो दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि जब ये वचन आप मानोगे, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, गंदा नहीं देखना, चुगलियां नहीं करनी, ये आपका फायदा होगा, क्योंकि वो जीवन बन के आपके अंदर बैठ जाएगा। क्योंकि ये वचन लिखा जीवन भी है और आत्मा भी है। हालेलुया। हर चुनौती जो आपको दी जाती है एक मसीह होने के नाते आपको मजबूत करने के लिए है, आपके लेवल को अगले लेवल पे लेके जाने के लिए है, नए डायमेंशंस पे आपको लेके जाने के लिए है, एक नई गवाही को लेके आने के लिए है, एक नई आशीष को लेके आने के लिए है, आत्मा में नई तरक्की को लेके आने के लिए है। इसलिए मैं कहता हूं करैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिफ्ट। जो करैक्टर है, जो चरित्र है, वो वरदान से भी कहीं बढ़ के, वरदान के बिना सेवकाई नहीं, लेकिन चरित्र के बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया। चरित्र के बिना कुछ भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल। अगर आपकी लाइफ अच्छी है, असंभव चीजें आप संभव कर दोगे। आमीन। सालों की जो दौड़ है आप उसे महीनों में कवर कर लोगे। आमीन। जहां लोग पीढ़ियों में पहुंचते हैं आप सालों में पहुंच जाओगे वहां पे। हालेलुया। पर कहता जो वचन मैंने तुमसे कहे, कहता वो जीवन भी है और आत्मा भी है, आत्मा भी है और जीवन भी है, और आत्मा भी है और जीवन भी है। जो वचन मैंने तुमसे कहे, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, निंदा ना करना, जो जो वचन बाइबल में लिखे, कहता वो जीवन भी है और आत्मा भी है। इसलिए आप देखते हैं जब एक विश्वासी बाइबल पढ़ना शुरू करता है, उसे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या देखता है कि जो पाप उसमें थे, जो गुनाह उसमें थे। आप एक बात को नोटिस करते हैं, लोग बहुत सालों से मसीह में होते हैं, लेकिन जब वो चर्च में आते अपना पाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्या पहले वचन नहीं सुना उन्होंने? सुना, वो जानते वो गलत है, लेकिन पावर अवेलेबल नहीं है, इस कारण वो छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब सामर्थ और वचन दोनों इकट्ठे जाते हैं, आप छुटकारा पाते हैं। इसलिए मैं अकेला डिलीवरेंस नहीं करता लोगों पे, मैं उनको वचन भी देता हूं, केवल वचन देता हूं महीनों महीनों महीनों। मैं फिर कह रहा हूं जो आपको चाहिए इसमें, कहां लिखे है आपको पढ़ना है, किधर लिखे है, आप कहां है बाइबल में, ढूंढो अपने आप को। जब 2005 में मैं दुखी था और प्रभु के गवाहियां सुनता था लोगों के, अपने अपनी आंखों के सामने मैंने अधरंगी को ठीक होते देखा, एक सेकंड में एक अधरंगी आया, मैं नया था मसीह में, उस पर प्रार्थना की, अगले दिन उसने हाथ उठा लिया, बोलने लग गया, और जिसने प्रार्थना की हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, हम नए थे मसीह में। सुनो मेरी बात, हमने अपनी आंखों के सामने हीलिंग होती देखी, उसके परिवार को बच्चे देखा, आज उसके बच्चे सेवकाई में है उस भाई। सुनो मेरी बात, लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, और पवित्र आत्मा ने बोला वचन पढ़,
हमने वचन में ढूंढा। 2005 में अगर मैं वचन में कहीं मिला तो पहला कुरंथिया 15 में मिला कि हियाव बांध रो दृढ़ रह, क्योंकि तू जानते हैं मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए रेमा वर्ड था, और मैंने जब इसे पढ़ा मैंने कहा परमेश्वर ने मुझसे बात की है, उसका आत्मा मुझसे कह रहा है मैं मेहनत करूं, मैं प्रेयर करूं, मेरी प्रेयर कम है, मेरी प्रेयर सिर्फ 45 मिनट। जब मैं मसीह में आया था मुझे आज भी याद है 15-15 मिनट में 3 बार प्रार्थना करता हूं, वो भी अपने गोल टेबल पे ऐसे हाथ रख के मैंने 15 मिनट प्रार्थना करनी, और 15 मिनट 15 दिन जैसे लगने मेरे को। 15 मिनट में 2 बार मैंने घड़ी देखनी यार, 15 मिनट नहीं होने लगता, लेकिन करनी 45 मिनट। होली स्पिरिट ने बोला जितना बड़ा तेरा केस है, जो परमेश्वर की प्लानिंग तेरी लाइफ में है, ये 15-45 मिनट से कुछ नहीं होगा। और वचन ने जब मुझसे बात की हियाव बांध दृढ़ रहे, क्योंकि तू जानता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। कहां है आप बाइबल में बताओ, आप कहां है बाइबल में बताओ, कहां? मैं तो बाइबल में मिल गया था एक पहले कुरंथिया में, आप कहां है बाइबल में बताओ। मैंने तो अपने आप को ढूंढ लिया था पहला कुरंथिया में बाइबल में कि ये यहां मैं छुपा हुआ हूं, ये प्रभु का वचन मेरे लिए। चाहे सारी बाइबल, मैं नया नियम 3 दिन में खत्म कर देता था, नया नियम शुरू 4 दिन, चौथे दिन नया नियम खत्म, फिर नया नियम शुरू, फिर नया नियम खत्म। लेकिन प्रभु ऐसे बात नहीं करता कि आप सिर्फ बाइबल खोले और पहला वचन ही प्रभु की ओर से हो। ऐसा एक बार हो सकता है आपको चिन्ह देने के लिए, बार बार नहीं हो सकता। जब हमें वचन पढ़ना पढ़ना एक ऐसा वचन आ जाना जो मुझे लगना कि ये वचन परमेश्वर ने मुझसे कहा है, इस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की है, परमेश्वर ये चाहता है मेरी जिंदगी से मैं करूं। अपने आप को सुधारने के लिए बाइबल पढ़ो, आप दुनिया सुधार दोगे, मैं आपको बोल रहा हूं। दुनिया की बात कर रहा हूं, फुल वर्ल्ड आप सुधार दोगे। यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी, और लिखा ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। वही लोग आत्मा में आएंगे जो वचन में है। आप देखो यर्मिया को पढ़ो, यशाया को पढ़ो, आप पढ़ो दानियल को, आप पढ़ो सबको, वर्ड से प्रेम करने वाले वो भविष्यद्वक्ता थे, वचन से प्रेम करते थे, क्योंकि वचन से प्रेम करने के कारण वचन पता था मेरे विषय में क्या कहता है, कौन से काम करना है कौन सा नहीं करना। इसी कारण आत्मा में थे, जब आत्मा में थे लिंक जुड़ा हुआ था, अंधे नहीं थे, जब अंधे नहीं थे तब चलते जा रहे थे और सक्सेस होते जा रहे थे और सफल होते जा रहे थे और ब्लेस होते जा रहे थे, आप ही और लोगों के लिए कारण बन रहे थे आशीष का और ब्लेसिंग और सक्सेसफुल होने का। मैं फिर कह रहा हूं जब मैं वचन सुना रहा हूं चोरी की आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, डिलीवरेंस हो रही है, हीलिंग्स हो रही हैं। बोलो ये वचन जो यीशु ने मुझसे कहे हैं वो जीवन भी है और आत्मा भी है। आमीन। अगर आप इंतजार करते रहोगे कि कब होगा, आप इंतजार करते रहोगे जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, बाइबल को खोलोगे नहीं, आप ढूंढोगे नहीं मैं कहां हूं बाइबल में, मैं किधर हूं बाइबल में। मैं शायद अगले हफ्ते आपको अपनी पहली बाइबल दिखाऊंगा जो अंदर से इधर से इधर से सब जगह से काली हो गई, क्योंकि तब मैं मेंटली अपसेट था जब मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया था और मुझे तेल लगा के रखना पड़ता था, जो प्रभु का जो अनॉइंटिंग ऑयल अपने सिर पे 24 घंटे। और जब मैं बाइबल को पढ़ता था, एक दिन एक बाइबल में वचन आया जो सिर्फ मेरे लिए था, मैं जानता था। मैंने उस वचन को पकड़ा, मैं इतना रोया, मैं आज तक इतना नहीं रोया, इतना रोया उस वचन को लेके, और मैंने वो अपने सिर पे रख के मैं रोता रहा, घुटनों के पास रोता रहा घंटों घंटों, और वो जगह काली हो गई थी क्योंकि उस पर तेल लग गया था, और रोता रहा। मैं ये नहीं जानता था कि ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा होने वाला है। हालेलुया। आप जो मेरी लाइफ में देख रहे हो वो वर्ड है सिर्फ। आमीन। क्योंकि जो वचन में जो आत्मा में वही अपने अगुए के अधीन रहेंगे, वही चोरी नहीं करेंगे, वही चलाकी नहीं करेंगे, वही पाप नहीं करेंगे, वही 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 गंदी बातें नहीं करेंगे, वही गंदा नहीं सुनेंगे ना तो गंदा देखेंगे, वही पवित्रता में, क्योंकि जो वचन में वो आत्मा में। लोग बोलते हम आत्मा में कैसे बढ़े, मैं बोलता हूं वचन में बढ़ो।
वचन को, खाओ वचन को, घर पे लगाओ वचन, लगाओ दरवाजों पे वचन, लगाओ मोबाइल पे वचन, रखो चारों तरफ वचन, आप खुद आत्मा में हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालेलुया। मुझे आज भी याद है परमेश्वर वचन से काम करते हैं, इमोशन से काम नहीं करते। मैंने उस चीज के लिए कभी प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन जो वचन मेरे सामने आ गया, मैंने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, लेकिन ये मेरे लिए असंभव है, पर तू कर सकता है। और उस प्रार्थना को करने के बाद मैं भूल गया बस उस इंसिडेंट को। आप भूल जाते हैं 2015 में आपने कौन सी प्रेयर की थी, परमेश्वर को याद है। जब गवाही बनेगी 2017 में 16 में आपको याद आएगा आपने ये प्रेयर की थी परमेश्वर के सामने। कोई जल्दी तो नहीं है, परमेश्वर जिनको जल्दी है, परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं, उसको कोई जल्दी नहीं। हालेलुया। उसे कोई जल्दी नहीं, उसका जवाब उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जो किसी जल्दी में। आमीन। परमेश्वर काम करता है, उसकी आत्मा की अगुवाई से वो करते हैं। केवल सारी मीटिंग निकल जाती है और एंड में परमेश्वर हीलिंग अनॉइंटिंग एकदम से भेजता है और आप देखते हैं किस तरह के लोग चल रहे हैं। एक बहन ने वीरवार को गवाही दी थी कि उसका बच्चा कभी नहीं चला जब से जन्मा। डॉक्टर ने बोला था चलेगा जी, लेट नहीं तो नहीं चलेगा जी, बस प्रभु से छोड़ दो जी। जब प्रेयर हुई 2 हफ्तों बाद वो चलने लगा, 4 साल बाद बोलने लगा इस वीरवार को गवाही। जब आत्मा काम करता है आपको कुछ नहीं पता कि लास्ट प्रेयर में आपका काम होना या पहली प्रेयर में होना। आप प्रभु को यूज नहीं कर सकते, प्रभु आपको यूज करते हैं। आमीन। आप प्रभु को यूज नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको यूज करते हैं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो क्या है? और फिर से बोलो, आत्मा और आत्मा जीवन, आत्मा जीवन। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैं तुमसे बोल रहा हूं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो ये आत्मा में बढ़ना है, क्योंकि कुछ आशीषें तभी आएंगी जब आप आत्मा में बढ़ेंगे। लेकिन वो जीवन भी है, वो आपकी शारीरिक चंगाई भी है, वो आपकी बरकत भी है, वो आपका फाइनेंस का हल भी है। हालेलुया। हमें अमीर होने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि हम पहले से अमीर हैं। पौलुस ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं बहुतों को धनवान बना सकता हूं, मेरे पास वो सामर्थ्य है। आमीन। लोगों को पैसा चाहिए घर लेने के लिए, फलाना चीज लेने के लिए, अपने पड़ोसी को जलाने के लिए। हमें और आपको चाहिए पंजाब बचाने के लिए, टीवी पे आने के लिए। लोगों को सुबह उठेंगे टीवी चलाएंगे तो आप खामरा चर्च आपके सामने वचन के साथ खड़ी होगी सुबह। ये हमारा विजन है। आमीन। अगर हम पैसों के पीछे होते तो मैं इस समय इंग्लैंड में कनाडा में प्रचार कर रहा होता आराम से। आमीन। गुड न्यूज। ऐसा लगता है कि अब जो दो तीन हफ्ते बाद आती है चर्च में, ऐसा लगता है कि एवरी डे आएगी ये, हर रोज यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए आपको कहां लिखा है बाइबल में बताओ। अगर आपको पता है बाइबल में कहां लिखा है, इसका मतलब आपको मिल भी जाएगा। पर आपको अगर नहीं पता कहां लिखा है, इसका मतलब आपको ढूंढने की जरूरत। हो सकता है आपको सेम वचन ना मिले जो आपको चाहिए, पर उसके साथ मेल खाती आपको स्टोरी जरूर मिल जाएगी। हालेलुया। उसके साथ मेल खाता एक वचन आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप सीरियस अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप अगले संडे से कॉपी और पेन के साथ आएंगे। मैं ऐसी जनता नहीं चाहता हूं जो सिर्फ आए सुने और उसे अगले हफ्ते ना पता हो मैंने क्या सुना था। मैं वो विश्वासी चाहता हूं कि जो आए सुने और जिसका दिल करे अगर 10
महीने बाद की उस संडे का प्रचार मैंने सुनना है, तो वो सिर्फ अपनी कॉपी खोले हो, सब कुछ उसकी कॉपी में लिखा। प्रभु आपसे बात करेंगे इस तरह से, आप देख लेना। आप जो पुराने हफ्तों का वचन पढ़े करेंगे, आप देखे करेंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो क्या है और वो क्या है? ऊंची आवाज में, आत्मा और जीवन। कहता वो दोनों है, वो आत्मा भी है और वो जीवन भी है। आप वचन में रहोगे, आप आत्मा में रहोगे। आत्मा में रहोगे आप दूत देख पाओगे, जिस तरह अब्राहम ने देखे थे। पहले भी उसको नजर आते थे, उसको उसके पास आते थे, लेकिन नजर नहीं आते थे। जब नजर आए तो बच्चा आया, वो बच्चा जो 24 साल से इंतजार करवा रहा था। गलती किसकी है? परमेश्वर की, अब्राहम की। इसलिए अब्राहम को कहा परमेश्वर ने, अब्राहम मैं तुझसे प्रेम तो बहुत करता हूं, तुझे देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरी उपस्थिति में अभी भी जलता जा और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। कैसे सिद्ध हो सकते हो आप कि आप वचन पढ़ रहे हो और आपको पता है कि 9 बजे आपका प्रोग्राम आना है? आपने पौना घंटा वचन पढ़ा, आपको पता है 9 बजे प्रोग्राम आना है। वचन पढ़ लो फटाफट, 9 बजे प्रोग्राम आना है। आप प्रभु में तो हो, आप अच्छे भी हो, पर सिद्ध नहीं हो। जब आपका 9 बजे प्रोग्राम आना हो और आपके अंदर एक ललक सी हो मैंने देखना है, और आप 8 बजे बाइबल लेके बैठ जाओगे, 1 घंटा मैंने कोटा पूरा कर लेना, जब 9 बजे फिर 1 घंटा बाइबल पढ़ो, अपने शरीर को मार दो, आप सिद्ध हो जाओ। आमीन। आपको अपनी बॉडी को टीच करना है, आपको सिखाना है अपनी बॉडी को कि कौन सी चीज आपने कब देखनी। अगर आपका दिल नहीं करेगा देखने के लिए, आप नहीं आत्मा मानेगी, आप नहीं देखेंगे 4 दिन, नो प्रॉब्लम। उसने कहा अब्राहम तो अच्छा तो बहुत है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे दूंगा तेरे वंश को आने वाले दिनों में ये 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 ये, पर मेरी उपस्थिति में चलता जाओ और सिद्ध होता जाओ, क्योंकि ये तुझमें एक प्रॉब्लम है अभी भी। हालेलुया। अब वो प्रोग्राम जो 9 बजे आना है, वो 8 से 9 की जो प्रार्थना हो रही है उसमें हमें याद है कि बस 15 मिनट रह गए, ये खत्म होंगे 15 मिनट, प्रभु का काम भी पूरा, कोटा भी पूरा, और उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम देखने के लिए चला जाऊं। पर अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। कई बार अपनी बॉडी को आप ट्रेंड करेंगे, आज नहीं देखना है। अब वो प्रार्थना जो 9 से और 10 के बीच में होगी, जो प्रोग्राम का टाइम है, रिजल्ट लेके आएगी, मैं आपको बताऊं। उसके बाद जब आपकी बॉडी थक जाती है, लेकिन उस स्त्री ने एक संगमरमर के पात्र को लिया और प्रभु के पैरों पर उसे तोड़ दिया, उसे तोड़ दिया और सिर पे डाल दिया और पैरों पे डाल दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तक आप पात्र तोड़ेंगे नहीं, तब तक इसमें से अनॉइंटिंग फ्लो नहीं होगी। हालेलुया। जब तक आप इसे तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप लगे नहीं रहेंगे, ये इसमें से अनॉइंटिंग कभी फ्लो नहीं होगी। आपकी जो 2 घंटे की प्रार्थना है, उसके बाद असली प्रार्थना शुरू होती है एक्चुअल में। मैं नहीं चाहता आप सब करो, लेकिन प्रभु कुछ लोगों की अगुवाई करेगा उस चीज को करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो, जो यीशु की बातें, जो वचन है यीशु मसीह का, जो उसने हमसे कहा है, वो आत्मा भी और जीवन भी। मांगो मांगो मांगो, परमेश्वर जो वचन मैंने सुना वो आत्मा भी और जीवन भी। यस यस यस। अपने होंठ को खोलो सब जन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, खड़े हो जाओ आपकी प्रार्थना में, सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को बंद कर लो। अपने हाथों को उठाओ, इस वीरवार को असली प्रभु भोज होगा। असली मतलब बाकी नकली नहीं होते, मतलब कि उस दिन जिस दिन असली प्रभु भोज हुआ था, उसके बाद शुक्रवार को
जो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का दिन है, वो दिन वो आत्मिक प्रार्थना होगी उस दिन, और उसके बाद संडे जो इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जीने का दिन तो बहुत से लोगों का है, यीशु मसीह का भी है, पर मरने से जी उठने का दिन ये किसी का नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, फिर से अपनी प्रार्थना में जाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। एक प्रेयर करो मेरे साथ, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने योहोशू को कहा था, मैं तुम्हें फेल नहीं करूंगा, जिसका असली मतलब यह है मैं तुम्हें कमजोर, वीक, आलसी नहीं होने दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, भी जब शैतान आप किसी व्यक्ति को खत्म करना चाहते हैं, वो सबसे पहले उसे आलसी करते हैं, स्लो करते हैं। कोई बिजनेस एकदम से बंद नहीं होता, पहले वो स्लो होते हैं, स्लो होते होते वो बंद होते हैं। कुछ भी चीज एकदम से नहीं जाती, पहले वो स्लो होती है। आत्मिक जीवन भी लोगों का पहले स्लो होता है और फिर वो आपको गायब मिलते हैं। आज मैं सिर्फ 5 मिनट आपके बीच में हूं, आपने इस टाइम प्रार्थना करनी है कि हर वो आत्मा जो मुझे स्लो करती, बोलो मेरे घराने को, मेरे बिजनेस को, आत्मिक जिंदगी को, सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। जो भी चीजें, जिस चीजों का आप नाम लेना चाहते हो, आपने सिर्फ ये बोलना है प्रार्थना में कि परमेश्वर ने कहा था योहोशू को कि मैं तुझे फेल नहीं करूंगा, स्लो नहीं करूंगा, वीक नहीं करूंगा, कमजोर नहीं करूंगा, मैं तुझे आलसी नहीं होने दूंगा। अब आपने ये प्रेयर करनी है कि हर वो आत्मा, चाहे वो आपकी सेहत के पीछे आपको स्लो कर रही, बीमार करके स्लो कर रही, या कमजोर करके स्लो कर रही, या गरीब करके स्लो कर रही, या निराशा में ले जाके स्लो कर रही, आपने अगले 5 मिनट्स में उस आत्मा को डांटना है। मेरी बात सुनो, शुरू मत करो अभी। किराएदार कैसे जाता है, जो जो आसानी से नहीं जाता है, केस करके, हाँ या ना? आज केस करो शैतान पे। इस आखिरी प्रेयर में आपने डांटना है उसे, और निकलने के लिए बोलना है जो चीजें आपको तंग करती हैं, आपने उस विषय में शैतान को बोलना है कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, और प्रभु को बोलना है परमेश्वर हर वो आत्मा जो मुझे स्लो कर दी है वो जाती रहे। मांगना शुरू करो, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए वर्शिप के साथ। मांगो 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 मांगो, मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य में।
चर्च में हैवीएस्ट मांगो यीशु मसीह के नाम में हाथ, वो आत्मा जो कमजोर करती है, स्लो करती है, आलसी करती है, जाओ 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 मांगो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Receive me.